जोहार झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। भुरकुंडा से संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि भुरकुंडा सयाल सीसीएल हॉस्पिटल में, जो यहां के मजदूरों का एकमात्र बड़ा अस्पताल है, आज एक घंटे के अंदर दो मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल में डॉक्टर, बिजली, पानी का अभाव है। सीसीएल प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गुड्डू पांडे ने इस संबंध में पूर्व में अस्पताल की अनियमितता पर अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, परंतु सीसीएल प्रबंधन संवेदनहीन साबित हो रहा है। अस्पताल में लोग अपना मर्ज का इलाज का आशा लेकर आते हैं, बदले में उन्हें अस्पताल की बदहाली से भी रूबरू होना पड़ता है। यह गंभीर मामला है। अस्पताल के प्रति सीसीएल प्रबंधन का उदासीनता को लेकर मजदूरों और उनके परिवार में सीसीएल प्रबंधन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। सुने उन्हीं के जुबानी। मेरे पापा जब यहाँ आए तो जीवित थे, यहाँ जब उनको ऑक्सीजन लगाया गया तो यहाँ ऑक्सीजन में ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ तक यहाँ डॉक्टर भी नहीं थे, बिजली भी नहीं था। तब बताइए इस सिचुएशन में इंसान कहाँ जाए? अगर प्राइवेट में करवाता है तो वहाँ भी दिक्कत है, यहाँ जब सरकारी हॉस्पिटल में जब हॉस्पिटल दिया गया है, सियाल एरिया का बड़का सियाल का ये हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इमरजेंसी है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, वो अपना देख रहे हैं, ये अपना देख रहे हैं। मेडिकल कार्ड लेकर गए तो वहाँ मैडम फेंक दिए, ना यहाँ चेक किए कि यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। ये कि बंद कर दीजिए ना, ऐसा जब ये ढोंग है, नाटक है, दुकान है, तो बंद कर दीजिए इसको। ये बिजनेस को करने वाला दुकान नहीं है सर, ये जान बचाने। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है ना, ये तो कसाई से भी बेटर है, उससे भी अच्छा है, कसाई से भी अच्छा है सर। आप लोग दुकान बंद, दुकान खोल लीजिए, इससे अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है हॉस्पिटल चलाने, कोई जरूरी अपना अपना क्लिनिक खोल लो। अगर पैसा ही कमाना है आपको, हाजिरी मिल रहा है ना सर, आप पचास जो भी हजार में, पचास हजार जो लाख रुपया हाजिरी मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है, आप घर बैठे लो। जब यही करना था अपने चेंबर में आए, डायरेक्ट लिख दिया मर गए। अरे जब लिखना ही था तो अपने घर से लिख के नोटिस भेज देते आप। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम प्रदीप पासवान हुआ सर। ये होना चाहिए, सब सुविधा होना चाहिए, डॉक्टर के यहाँ उपस्थित होना चाहिए। डॉक्टर मेडिकल बुक भेज दिया जाता है। लापरवाही किसकी है? आपको प्रथम दृष्टया क्या लोग बताया, क्या कुछ है? किसका लापरवाही? कि हम आए तो डॉक्टर यहाँ नहीं मिले, डॉक्टर लेट से आए, उसके बाद पैसे फेंक दिया लोग बाहर में। ठीक कमा रहा था, सही किया सर, जब फेंक दिया। अपना नाम बताइए। नाम है वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह, और क्या किस पद पर आप हैं? क्या समस्या है? हर कोई इलाज का कोई है नहीं, पहले बार तो लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं पीने वाला, यही सब समस्या है। दो आने के बाद देंगे, हम लोग अभी 6 बजे आए हैं। का एक एम्प्लॉय है जो कि यहाँ पे 2 से 3 घंटा पहले इनको एडमिट किया गया, और 1 घंटा तक कोई भी डॉक्टर नदारद था यहाँ पे, जिसके कारण कि उनकी मृत्यु हो गई। जस्ट उससे कुछ देर के बाद एक और पेशेंट आया, दो मौत इस भुरकुंडा अस्पताल में हो गया है। बिजली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ऐसा है कि आज लगभग 1 महीना से यहाँ का जनरेटर खराब है। मेडिकल बुक फेंक दिया। और जो जिनका जो पेशेंट है, जिनका पेरेंट्स यहाँ एक्सपायर किए हैं, वो जब वो मेडिकल कार्ड वहाँ देने गए तो कोई लवली मैडम यहाँ पे एम्प्लॉई है, वो क्या की उनका की कार्ड फेंक दी। और ये जो मनमानी है डॉक्टरों का, यहाँ के डॉक्टर हमेशा नदारद रहते हैं। यहाँ जो बड़का सयाल के इंचार्ज हैं, उनको यहाँ पे फुर्सत ही नहीं है कि उनका जो अपना जो कमाई खाई के जो धंधा बना लिया है 50-50 रुपये का, उनसे उनको फुर्सत ही नहीं है। और इससे पूरा भुरकुंडा, पूरा कोयलांचल का जनता त्राही नाम है, और आगे ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सीसीएल प्रबंधन हो, सीसीएल प्रबंधन हाय हाय, सीसीएल प्रबंधन हाय हाय, सीसीएल प्रबंधन हाय हाय, सीसीएल प्रबंधन हाय हाय।